कि सरकार कहाँ सो गई है बताने की। मिथिला के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो उसके आसपास में घर है वो सोना है, कहते हैं सोना बन जाएगा, वो सोना बन सकता है। इसका साफ सुथरा उद्देश्य है कि हमारे जो टेंडर एज के लड़के हैं उसको बैकअप देना है, उसको आगे उठाना है, उसमें ऐसा जज्बा भरना है कि देश के लिए कुछ करे। लेकिन श्रीराम को श्रीराम बनाने में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में जो अहम योगदान जगत जननी माँ जानकी सीता जी का है, उस चीज़ को वर्तमान की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह मैराथन दौड़ का जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो आयोजन किया है, यह एक बिल्कुल अपने आप में नया पहल है और बहुत सुंदर। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हरलाखी में MSU का मैराथन दौड़ शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा है मैराथन में भाग ले रहे हैं, और पूरे जो 11 किलोमीटर का दौड़ है वो रखा गया है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, और जो दौड़ है वह फुलर से चलकर विश्वामित्र स्थान तक पहुंचा है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेकर के प्राइज का व्यवस्था रखा गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो मैराथन दौड़ है, मैराथन में भाग लेकर के युवा जो 11 किलोमीटर का दौड़ है वो पूरा करके यहाँ पर विश्वामित्र स्थान में पहुंच रहे हैं। लोग उनका यहाँ पर तालियों के साथ ऐसे युवाओं का स्वागत कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैराथन का जो दौड़ है, जो मैराथन में भाग ले रहे हैं, वो पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पर विश्वामित्र स्थान बिसौल में जो भी भाग लिए हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर है डॉक्टर संतोष जी, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर बताइए, क्या उद्देश्य है मैराथन का? मैराथन कराने का पहली बार हरलाखी विधानसभा में MSU के द्वारा कराया गया है, जिसका स्पॉन्सर तेजस TVS है। मैराथन कराने का मतलब एक ही है कि हमारे क्षेत्र का युवा जो है थोड़ा अपने आप को तंदुरुस्त रखे और आगे बढ़े, क्योंकि दौड़ और खेल ही आगे प्रोत्साहन करता है। इसलिए हम FCC, तेजस TVS और MSU तीनों मिल करके ये काम किए हैं। निश्चित ही युवाओं के उत्साहवर्धन को लेकर के यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ FCC के अध्यक्ष हैं शशिभूषण जी, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? इसका साफ सुथरा उद्देश्य है कि हमारे जो टेंडर एज के लड़के हैं उसको बैकअप देना है, उसको आगे उठाना है, उसमें ऐसा जज्बा भरना है कि देश के लिए कुछ करे, उसमें एक ऐसा एहसास उत्पन्न हो कि वो हमारे समाज के लिए एक मैसेज बने और बहुत दूर तक हो जाए। अच्छा, कितने किलोमीटर का यह मैराथन दौड़? 12 किलोमीटर का था। कहाँ से शुरू हुई है? फुलहर स्थान से आरंभ हुआ है और बिसौल में आके उसका अंत हुआ है। निश्चित ही फुलहर गिरजा स्थान से शुरू हुआ है और यहाँ आकर के, और हमारे साथ MSU के लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ उद्देश्य है। देखिए, राम सर्किट और वर्तमान में भारत में श्री राम और अयोध्या का नाम सबसे आगे है, लेकिन श्री राम को श्री राम बनाने में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में जो अहम योगदान जगत जननी माँ जानकी सीता जी का है, उस चीज़ को वर्तमान की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि जनकपुर सीतामढ़ी और ये जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र, इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित हो, जिसमें हम लोगों ने श्रीराम सर्किट में बिसौल और फुलहर का नाम हम लोगों ने जुड़वाया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलने के कारण एक तरह का हमने सरकार का ध्यान कैसे आकर्षित हो, इसके लिए हमने इस तरीके का खेल का एक मैराथन दौड़ का आयोजन हम लोगों ने करवाया है और बहुत बढ़िया रहा है और आप लोगों का सहयोग, धन्यवाद प्रशासन। कितने युवा इस मैराथन दौड़ में भाग ले रहे हैं? ठंड के वजह से युवाओं की संख्या कम रही है, आज सुबह धूप क्लियर नहीं रहा है। लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे पास 200 था और 53 लोग दौड़े हैं। 53 लोग दौड़े हैं, अच्छी थी। 53 लोग दौड़े हैं और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन सभी का सहयोग है। और आप देख सकते हैं कि हम अभी विश्वामित्र स्थान परिसर में हैं, जो NH 227 पर है, और जो युवाओं का जो मैराथन में भाग लिए हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। लोग स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है, यहाँ पे खड़े हैं, भारत माँ के जयकारे से नारे लग रहे हैं और युवाओं का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। हमारे साथ KYC फाउंडेशन के हैं पंकज झा जी, ये भी लगातार युवाओं के उत्साहवर्धन को लेकर के जो तैयारियां होती है फौज में जाने की, इन सारे चीज़ों को ये करवाते हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ उद्देश्य है इस मैराथन का। इस मैराथन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि रामायण से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आकर्षित किया जाए। यहाँ फुलहर स्थान पर जो हमें दौड़ कराई है, कहीं ना कहीं सीता मैया की से जुड़ा हुआ है,
यह स्थल है, इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो एक मैराथन के मकसद से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का ये मैराथन का आयोजन किया गया और सभी युवाओं ने मिलकर एमएसयू के माध्यम से ये मैराथन का आयोजन किया और मकसद सिर्फ यही है कि सरकार कहाँ सो गई है पता नहीं, कि मिथिला के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो उसके आसपास में घर हैं वो सोना है, कहते हैं सोना बन जाएगा, वो सोना बन सकता है। यहाँ व्यापार में चार चांद लग सकता है, बड़े से बड़े होटल रेस्टोरेंट यहाँ खुल के व्यापारी लोग जो व्यापारी भाई हैं उनका बहुत फायदा हो सकता है। और खासतौर पर मिथिला की धरती जो अभी पहचानी जा रही है शिक्षा से, वो शिक्षा कहीं ना कहीं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। तो हम धार्मिक स्थल की तरफ आकर्षित करने के लिए ये 10 से 12 किलोमीटर का मैराथन किए हैं। इसमें यूपी से भी हमारे बच्चों ने भाग लिया है, हिस्सा लिया है। लगभग पहला बच्चा 40 मिनट कुछ सेकंड के अंदर आया, दूसरा बच्चा 42 सेकंड के अंदर आया, 42 मिनट के कुछ सेकंड के अंदर आया, तीसरा बच्चा 44 मिनट के अंदर आया है और बहुत अच्छी दौड़ रही है। सीतामढ़ी से बच्चों ने, हर मुझे लग रहा है जिला से बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी तरीके से दौड़ के आयोजन कराया गया है। एमएसयू की तरफ से राघवेंद्र भाई ने मुझे आमंत्रण दिया और बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे पुरस्कार वितरण वगैरह होगा। 5100 रुपये प्रथम पुरस्कार है, ट्रैक सूट है, फिर 3100 पुरस्कार है, फिर 2100 पुरस्कार है और लगभग 11 बच्चे को अभी आप देख रहे होंगे फिर एक दौड़ आ रही है। तो ऐसे ही 11 बच्चों को लगभग ट्रैक सूट यहाँ दिया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था मैराथन की गई है। निश्चित ही रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ हमारा स्थल है, फुलहर हो, विश्वामित्र हो, कल्याणेश्वर है, इन सभी को के विकास की दरकार है और इसी चीज़ को ध्यानाकर्षण के लिए सरकार के नज़र में लाने के लिए जो स्थानीय युवा है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, उन्होंने मैराथन दौड़ का आयोजन रखा है। अभी हम बिसौल के विश्वामित्र स्थान परिसर में हम मौजूद है और मैराथन को लेकर के यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह राम दरबार है, आप देख सकते हैं यहाँ और किस तरह से राम लला जी है, कृष्ण कन्हैया जी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आज भी मौजूद है विश्वामित्र स्थान में। जो भी रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप आते हैं बिसौल में जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जब जनकपुर धाम गए थे तो इसी जगह पे विश्राम किए थे। और हमारे साथ इस यहाँ के महंत ब्रजमोहन दास जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। यह जो मैराथन हो रहा है इसको किस रूप में आप देखते हैं? यह मैराथन दौड़ का जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो आयोजन किया है, यह एक बिल्कुल अपने आप में नया पहल है और बहुत सुंदर ये युवाओं को जागरूक करने का ये काम करेगा ये मैराथन दौड़। और इससे आने वाले समय में ये जो हमारा विरासत है, जो हमारा धरोहर है, जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, यहाँ के राजनेता लोग आज तक कभी इसकी चिंता नहीं किए, अब ये जो युवा पीढ़ी जो है इस पर सारे इस क्षेत्र के जनता और प्रशासन को, शासन को ध्यान आकृष्ट इस मैराथन दौड़ के माध्यम से सबका ध्यान आकृष्ट कराने का जो प्रयास किया गया है और इससे ध्यान आकृष्ट होगा, इससे आने वाले समय में इस क्षेत्र का पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी सरकारें आई है उन्होंने मिथिला के साथ कहीं ना कहीं सौतेलापन का जो व्यवहार है वो किया है, भारत चाहे प्रदेश की जो भी सरकार हो। जी जी जी, ये मिथिला के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये एक भारतवर्ष का प्रमुख तीर्थ है, धाम है, जो सीता जी का मंदिर है, किशोरी जी का जनकपुर नेपाल में पड़ जाता है और उससे सटे सब ये सब उसके संबंधित ये सब स्थल हैं, लेकिन कभी भी कोई पदाधिकारी या सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अत्यंत पिछड़ा हुआ है। नहीं, ये चीज़ बताइए महंत जी, जो अगर यहाँ उस तरह से जो रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ यहाँ गिरजा स्थान है जहाँ बाग तराग है, फुलवारी है, पुष्प वाटिका है और बिसौलिया स्थान है, कल्याणेश्वर है, मनोकामना स्थान है, अगर इन सारी चीज़ों का अगर विकास होता है पर्यटन के रूप में, कितना कुछ मायने रखेगा यहाँ के लोगों को रोजगार के प्रति? यहाँ अगर जो इसका विकास कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों का बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। एक तरह से यहाँ पर पर्यटन के वजह से यहाँ पर लोगों को इतना फायदा होगा, इतना आमदनी लोगों को हो जाएगी, लेकिन बशर्ते इस क्षेत्र का विकास हो जाए तब। तो ये बिल्कुल ये पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ का पर्यटन के हिसाब से विकास होने से
यहाँ के लोगों का बहुत फायदा होगा, यहाँ के युवाओं को बहुत फायदा होगा और इस क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। मधुबनी न्यूज के माध्यम से आप जो भी सरकारें हैं, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी है, जिलाधिकारी है, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस क्षेत्र का सर्वे करा करके, और जिस तरह से हमारे अन्य तीर्थ धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन है, बनारस है, उसी के जैसा यहाँ पर भी विकास होना चाहिए, हम यह आग्रह करते हैं। निश्चित ही इन्होंने जो महंत है बिजमोहन दास जी है, उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि जिस तरह से अन्य जगहों पर पर्यटन स्थल का विकास हुआ है, उसी तरह मिथिला के क्षेत्र में इस विश्वामित्र स्थान और फुलहर गिरजा महारानी स्थान है, वहां पर उसका विकास होना चाहिए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ, हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।